अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी बिल्कुल ठीक है। तो आज है फर्स्ट रमजान, तो किस किस का रोजा है? सभी का रोजा होगा, आज तो पहला रोजा है। और अल्लाह ताला हम सबको पूरे रोजे रखने की तौफीक अदा फरमाए और इस महीने के सदके, इस बरकतों वाले महीने के सदके हम सबकी परेशानियां और सबकी दुख बीमारियां सब कुछ दूर करवाए। आमीन सुम्मा आमीन। आज सुबह से बहुत हसीन मौसम है, इतना अच्छा मौसम लग रहा है, सुबह से बारिश हो रही है। आज वो दिखाते हो, लेकिन अभी थोड़ी सी देर पहले ही बिल्कुल धूप निकली है। इतनी खूबसूरत बारिश हो रही थी कब से, अब इतनी मैं खुश हो रही थी, मैंने कहा शायद धूप नहीं निकलेगी, लेकिन अभी थोड़ी सी धूप निकल गई है। लेकिन सारा गीला गीला हो ही रहा है तकरीबन। ये देखिए शायद दिख रहा हूँ, सब गीला हो रहा है सारा। सुबह से 8 बजे से बारिश हो रही है आज, और यहाँ मेरे प्लांट भी बड़े खुश हैं आज। ये देखिए मैंने प्लांट, टमाटर का प्लांट कहाँ लाकर रखा है, अंदर लाकर रखना पड़ा है मुझे। मैं अभी आपको दिखाती हूँ। अरे हुआ क्या हुआ, ये कि मैं तो वो टमाटर को मैं आपको बार बार दिखा रही थी ना सबको, कि वो प्लांट में मेरे टमाटर आ रहे हैं दो, और मैं उनको एक देख थी उनको कि किस तरह क्या बड़े हो रहे हैं क्या नहीं हो रहे। हम मैंने वहाँ गैलरी में वो प्लांट को देखा ही नहीं, कल मैं जाकर देख रही हूँ, तो मैंने कहा टमाटर काफी बड़ा हो गया है अब देखूं तो टमाटर ही गायब हो गया। हस्बैंड से पूछ रही हूँ, यहाँ से पूछ रही हूँ, किसी को पता ही नहीं है। वो कह रहे हैं हमने तो देखा ही नहीं। पता लगा कि उस गैलरी में आता है चूहा, चूहे ने हमारा टमाटर खा लिए, दोनों बड़े होने से पहले ही खा लिए। मैं हस्बैंड से पहले यही कह रही थी, मैंने कहा ऐसा ना हो इस गैलरी में नीचे से नाली की तरफ से चूहा आता और वो टमाटर खाना जाए, टमाटर तो पसंद होते हैं चूहों को। तो कहने लगे नहीं नहीं ठीक है। और अब मैंने कल जाके देखा, मुझे अफसोस हुआ, मैंने कहा मैं तो टमाटर को बड़ा होने का इंतजार कर रही थी और चूहे ने खा भी लिया। इतनी सफाई से पूरे दोनों टमाटर खा गया वो, और क्योंकि पता ही नहीं चला, मुझे 100% यकीन था, यकीन है कि वो चूहे ने ही खाया है। उनको पसंद है ना, चूहों को पसंद होते हैं वो टमाटर। तो बस फिर मैंने प्लांट अंदर ला के रखा है, मैंने कहा मैं तो इतने दिन से इंतजार कर रही हूँ कि बड़ा हो जाए टमाटर। देखती बस वो कोई इतना वो नहीं होता कि किसी सब्जी में डालना है, वो तो मैं मजाक ही कर रही थी ऐसे ही, लेकिन बस वो बढ़ता हुआ देखती तो मुझे ज्यादा खुशी होती। बड़ा बैड सीन हुआ है मेरे साथ में, मैंने आज देखा टमाटर ही नहीं है उसमें, गायब ही हुए गए भाई। रही है अफतारी की प्रिपरेशन, मतलब सारी तैयारियां हो गई हैं अफतारी के लिए। चीजें बना रही हूँ, खाना बना रही हूँ, पकौड़े बना रही हूँ, दही बड़े, छोले, चीजें मुझे सारी चाहिए होती हैं, लेकिन थोड़ी थोड़ी, बहुत ज्यादा मैं नहीं बनाती हूँ। मेरे बन रहे हैं पकौड़े, प्याज, आलू और पालक। बस मैं तो बहुत कम ही बनाती हूँ इफ्तारी ना, क्योंकि हम दो अफराद खाने वाले होते हैं, अयान तीन अफराद होते हैं हम खाने वाले, और आयत तो बिल्कुल खाती ही नहीं है, तो इसलिए मैं हर चीज़ बनाती हूँ लेकिन थोड़ी थोड़ी। अब ज़रूरी नहीं है हम चीज़ें बनाएं और वेस्ट करें, इसलिए जो है ना मुझे बस मैं चाहती हूँ कि बने भी सब चीज़ें और वेस्ट भी ना हो, क्योंकि रोज़े इफ्तार के बाद जब बचती हैं ना चीज़ें तो मुझे बहुत अफसोस होता है। यहाँ पकौड़े बन के हो गए हैं रेडी। हाँ हो गए मेरे नगेट्स रेडी। बच्चे तो इंतजार कर रहे हैं कार का। तो तारीख हो गई है मेरी रेडी, बस अब अजान का ही इंतजार है। सारी चीजें मैंने जल्दी जल्दी बना ली हैं, हालांकि टाइम बहुत ज्यादा हो गया ना, फिर भी अजान के इंतजार में बैठे हुए हैं, क्योंकि दस्तरखान तो हमारा लग गया है।
और सारी चीजें रेडी है। ये देखिए माशाल्लाह से दस्तरखान तो हमारा सज गया है और अल्हम्दुलिल्लाह। मैं चाहा तो पूरे रमजान ऐसे ही दस्तरखान सजेंगे सबके घरों में इंशाल्लाह। यहाँ खाने के लिए मेरा दाल गोश्त रेडी है, इसमें लग रहा कतार। क्योंकि नमाज का टाइम, अफ्तार करके थोड़ी सी देर सो गई थी, सो के उठने के बाद इन लोगों को खाना वगैरह खिलाया। दाल गोश्त तो मैंने शाम से तैयार कर ही लिया था, खाना वगैरह तो मेरा पूरा तैयार हो ही गया था, बस इन लोगों ने खाना खाया, मैं सोकर उठी। फिर अभिषेक की नमाज का टाइम हो गया, नमाज पढ़ूंगी और जो है ना थोड़ा सा कुरान शरीफ भी पढ़ना है, एक सिपारा कुरान शरीफ भी पढ़ना है मुझे, वो पढ़ूंगी। बस सारा दिन की रूटीन मैंने आपके साथ शेयर की, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह एक रोज़ा अभी ख़त्म हो गया है और नेक्स्ट रोज़े की तैयारी है। बस अल्लाह ताला हमें पूरे रोज़े रखने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा, ख़ास मेरी फैमिली को। और मिलते हैं कल एक नए व्लॉग के साथ में, जब तक के लिए जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, लाइक कमेंट और शेयर करना ज़रूरी है, प्लीज़ कर दें यार, सब्सक्राइबर बढ़ाएं मेरे, इतनी मेहनत से आपके लिए वीडियो बनाती हूँ मैं। गाइस वीडियो देखने के बाद एक लाइक भी कर दिया करें, व्यूज़ तो बहुत होते हैं लेकिन लाइक्स बहुत कम होते हैं, तो प्लीज़ लाइक भी एक कर दिया करें और लाइक कमेंट शेयर करना नहीं भूलिएगा बिल्कुल भी, हिट द बेल आइकन ताकि मेरी आने वाली न्यू वीडियो की जितनी भी मेरी न्यू वीडियोज़ आती रहें और आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप जल्द से जल्द मेरी सारी वीडियो वॉच कर सकें। बाय बाय।